अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे और अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज चांद रात है और कल जो है वो ईद का फर्स्ट डे होगा पाकिस्तान में। और मुझे पता है कि काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, क्योंकि 4-5 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, हम अपने कामों के अंदर बहुत मसरूफ़ थे। और आज काफ़ी दिनों के बाद हमने गेट टुगेदर किया है और आज हमारा प्लान ये था कि हम लोग गुजरांवाला में कोई एक न्यू टिक्का शॉप है, मे भी पुरानी हो लेकिन हमने सुना है कि उनके जो टिक्के हैं वो बहुत अच्छे हैं और उसका नाम है, क्या नाम है उसका? हिजर टिक्का शॉप, वो जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है हिजर टिक्का शॉप। और आज हम वहाँ जा रहे हैं, उनको विज़िट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि उनका टेस्ट कैसा है, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन है। तो अभी इस वक्त हम लोग डस्का पहुँचे हैं और थोड़ा सी सफ़र रह गया गुजरांवाला का और फिर रेस्टोरेंट पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे हमें क्या क्या वो ऑफ़र करते हैं और उनका जो टेस्ट है वो किस तरह का है। अच्छा यार, आपका क्या अच्छा है? छोला कबाब मटन टिक्का, शाम पे खत्म है, नलियां खत्म है। अच्छा, किसर की जो स्पेशल कढ़ाई भी बड़ी अच्छी है, हम बारबेक्यू में खाने हैं। जैतून किधर है? दसो जी, दसो की शायब है ਸਾਜੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਮੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੜਾਈ ਜਤੂਨ ਚ। ਅੱਛਾ, ਟਿੱਕੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਟਨ ਟਿੱਕਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲਾ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਟਨ ਕਬਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀਸ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਤਾ। अच्छा उस्ताद जी, गल सुनियो, मटन हाफ कढ़ाई ज़ैतून वाली कर, मटन हाफ कढ़ाई है करनी है। ज़ैतून ने बंदे चार चारों वास्ते काटे, कोई ने टिक्के छिक्के भी हैं ने चार सी। हां ते चार, हां जी, और हाफ कढ़ाई कितने दी हो जाएगी? 1100 दी? हां 1100 दी। ओदे बाद मटन टिक्का, मटन टिक्का चार सी खां, कबाब ने मटन कबाब वो तीन सी खा, चार ही कर दे। चलो चार कबाब हो गए। हां, अगला बात चिकन मलाई बोटी, चार चार सी मलाई बोटी, चार चार कितनी करनी है? तो दो सी खा करते हुए, दो सी खा करते हुए चिकन मलाई बोटी, ठीक है। बाद में करना और क्या आदिल? छह साहब चिकन कबाब है, चिकन कबाब है, बस ठीक है, ठीक है, आराम दो जरा, फिर ऐसी देख लिए, ऐ लवा दियो, ऐ लवा दियो रायता स्वाद, पानी बोतल, हां कोक कर दीजिएगा 1.5 लीटर वाली, मिरिंडा होएगी ते ओदे बाद मिरिंडा होएगी, मिरिंडा नहीं, एक दो रायता और सलाद कर दिया, एक सलाद एक रायता, बोतल केड़ी कर, कोक 1.5 लीटर कोक, पानी का नहीं करना? नहीं, पानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग हिजर टिक्का शॉप पे पहुंच चुके हैं और ऑर्डर जो है वो भी हमने दे दिए, और अब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो फिर हम उसको ट्राई करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका टेस्ट किस तरह का है और क्या ये वर्थ इट है कि आप सियालकोट से गुजरांवाला आए या ना। मिली अब नहीं है तो लेट काफी हो गया ना, तो बस अब इंतजार है। और अच्छी आइटम थी उसके,
ट्रैवल करने से भूख भी लग रही है, वो तो हमें हर ब्लॉग में जो है वो लगती है। मैंने भी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, शायद मैगी खाई थी मैंने, मेरा ख्याल है। चलें खाने का वेट करते हैं, जब आएगा तो फिर आपसे मुलाकात करते हैं। का टिक्के जो हैं वो हमारे आ चुके हैं, और क्या सारा कुछ आगे की नहीं आया अभी, वो कढ़ाई आ पकड़ कढ़ाई, और ये बासित भाई जो हैं वो कर रहे हैं, और रोटी सर ले आओ जी रोटी, बिस्मिल्लाह। और शीशा बंद कर, ये है जी कढ़ाई। अब जरा हम सेटिंग कर लें कि बैठना जो है वो कैसे है, क्या पकड़ के बैठे इसको यार, ये रायता वगैरह पीछे रख था, एक एक मिनट मैं चेयर ये पीछे करूं, सीट ये इसको रख सीट पीछे करूं, इधर मुझे पकड़ा, आ जा तू, ये पकड़ो, गरम है रोटी, रह गया बस की नहीं गरम, नहीं रोटी ही गरम, हाय गाड़ी में जो है ना खाना बहुत मुश्किल है। चलो ना तू पकड़ कर रख, फिर मैं पकड़ दूंगा, फिर तू बताएं कैसे, मैं तो फिर अपने रोटियां हैं आप लोगों के पास, चलो जी अच्छी है यार, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला लुकमा किस चीज़ का लें हम, टिक्के का लेते हैं, बिस्मिल्लाह, मलाई बोटी, चलो मलाई बोटी का जी पहला हम बाइट लेते हैं। सलाद का ना तो मलाई बोटी बहुत सॉफ्ट है, जूसी है, और स्पाइसी भी है, वो नॉर्मल है, इतना ज्यादा स्पाइस नहीं है। कबाब भी जब वो चेक कर लेते हैं, मटन कबाब के किस तरह का है, कबाब भी इनका अच्छा है, और जो इनकी मलाई बोटी वो भी अच्छी है, और क्या चीज है, और क्या है, इधर से चेक कढ़ाई में बाद में करूंगा, कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं कि कढ़ाई का क्या टेस्ट है, जो कि ऑलिव ऑयल के अंदर पकी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी वेरी टेस्टी, बस मेरे नीचे ऊपर ना फेंकी, हाँ रख दे उधर ही, मैं कहीं बाहर ना गिर जाऊँ गाड़ी से, लास्ट में डाल, अब मैं किधर किधर फोकस करूँ, कैमरा पे करूँ, इस पे करूँ या खाने पे करूँ, कढ़ाई जो है वो हमने हाफ मंगवाई है, लेकिन वो भी माशाल्लाह क्वांटिटी में बहुत अच्छी है। सफेद रोटियां नान नहीं होता, चिट्टा सफेद रोटियां नान, नान सफेद ही आनी, लाल करवाइया थोड़े वास्ते, थोड़ी चलो मेहरबानी, एक गिलास भी दे दियो, शरबत तो है, हां जी नहीं रोज लोड तो वो जो वेटर भाई जान है वो कहते हैं आप शालकोट से आए हैं,
क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है ना एक्सटेंड बड़ा लहजा हमारा जो है ना वो लोग पहचान लेते हैं। इधर बजाने वाले बहुत जल्दी पहचान लेते हैं होटल के साथ। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग पहचान में आ जाते हैं, अच्छा लगता है लोग जब पहचानते हैं हमें। पता नहीं वो हमारे अच्छे एक्सेंट से पहचानते हैं कि बुरे एक्सेंट से पहचानते हैं। चिट्टी रोटी नहीं आता तेरे को नान जड़ा ना पाजी सफेद नान नहीं होता सादा नान। इस वक्त माहौल इतना अनकंफर्टेबल है ना कि बंदा सही से ना तो खा सकता और ना वीडियो बना सकता। तो खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा चुके हैं और विच वॉज वेरी गुड। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत टेस्टी था। खाने का मैं बता रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत टेस्टी था। उसमें हमने मटन कबाब करवाए थे, उसके बाद रेशमी कबाब करवाए थे और मटन हांडी थी वो करवाई थी जो कि ऑलिव ऑयल में पकी हुई थी और माशाल्लाह तीनों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो यू कैन से कि इट इज़ वर्थ इट। अगर आप सियालकोट से गुजरने वाले स्पेशली खाने आते हैं तो गुड सीन है, बैड सीन नहीं है। खाने के बाद अब हमजा भाई की फरमाइश थी कि उन्होंने पान खाना, कोई गुजरांवाला का फेमस पान है जो कि शायद काफ़ी अच्छा है। क्या उसमें क्या खासियत है? यार काफ़ी चीज़ें डालते हैं असल मिक्सर उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक तो रह गया वो तुम खा लो। फ्लाईओवर से नहीं, फ्लाईओवर खत्म हो गया पूरा। आगे से यू टर्न ले आएंगे ना, लंबा यू टर्न। हाँ वो भी है। तो अभी जो है हम लोग वो पान की दुकान ही ढूंढ रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस पान की बात हो रही है जो कि मैंने भी नहीं देखा। अगर मिल गया, अगर मिल गया तो हाँ, अगर ना मिला फिर हमजा भाई की शामत है। तो अभी बात कुछ यूँ है कि जो हमजा भाई की पान शॉप थी, नाम तो हमें नज़र आ गया उस वक्त, उसका नाम रानी पान शॉप था। हमजा भाई की रानी जो है सैडली हमें नहीं मिल पाई। मुझे तो बताने दो। तो रास्ते में जो है वो चेजअप सेंटर आ गया जिसको हमने सिर्फ ऑनलाइन ही देखा है क्योंकि वो कराची में काफी फेमस है। मेरा ख्याल कराची में बहुत फेमस है, कराची में तो मुझे हाँ काफी ज्यादा है। तो अभी यह है कि जो अदर सिटीज हैं वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो इस वक्त ये गुजरांवाला के अंदर है और हम लोग उसको आज फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे। ओपन भी है इस वक्त, रश भी काफी ज्यादा है यहाँ पे। हालांकि टाइम इस वक्त 10 बज रहे हैं, स्टिल इट इज ऐसे करके ओपन और यहाँ पे रश जो है ना काफी ज्यादा है। अभी जरा गाड़ी पार्क कर लें और फिर हम इसके बाद जाएंगे अंदर। ये है जी चेज अप वैल्यू सेंटर और यहाँ पे रश की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। रात के 10 बजे और कुछ ही देर में हम लोग भी इस रश का हिस्सा बनेंगे। देखते हैं अंदर जाके कि यहाँ पे क्या कुछ है और क्या कुछ हम बाय करेंगे। शायद हम ना कुछ बाय करें, वैसे एक विजिट करें कि देखते हैं कि इसमें है क्या क्या चीज़ है। चेज वैल्यू सेंटर से हम लोग निकल आए हैं और वहाँ पे क्योंकि कैमरा जो है वो इस्तेमाल करना नहीं था ना तो इसलिए गिर गया वहाँ पे लॉट। और फिर हम लोग पान शॉप ढूंढ रहे थे तो हमारी एक भाई ने हेल्प की थी जो कि चेज वैल्यू सेंटर में ही जॉब करते हैं। तो उनसे हमने पूछा कि शॉप कहाँ पर है, तो फिर हमारे साथ ही आ गए और हम उनको साथ लेके तो पान बाय करने चले गए थे। ये है जी वो पान और हम इसको ट्राई करेंगे। कब ट्राई करना भी आप लोगों ने? ट्राई थोड़ी देर आगे जाके, मैं तो कल कुर्बानी के बाद ही करूँगा। कुर्बानी के बाद करूँगा मैं तो भाई ट्राई करने लगा क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी है सिर्फ 4% रह गई है। मुझे पता नहीं है मेरा फ़ोन कब ऑफ हो जाए, तो मैं उससे पहले जो है ना इसको खा लूँ। रिव्यूज दो ना अपने, मैं वही खा के रिव्यूज ही देने हैं, बस मेरे कपड़े ख़राब ना हो। और ये पान खा के ना बंदा पान पान हो जाता है। इस पान के साथ एक थूक दान भी होता है। असल में जो पान है ना, ये पान अंदर के अंदर पान है। एक बार जो ये पान जो है सब मेरे मुंह में है और मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा। Now we are heading back towards Sialkot.
और क्योंकि हमारा खाना शाना सब कुछ पूरा हो चुका है गुजरांवाला के अंदर, टाइम है वो भी 11 बजने वाले हैं, और क्योंकि सुबह उठना भी है नमाज के लिए ईद की, एंड आई एम लुकिंग सो वियर्ड। तो ये है कि हम वापस जा रहे हैं सियालकोट की तरफ, और तकरीबन 11 बज रहे हैं रात के, सुबह नमाज के लिए उठना भी है तकरीबन 6-6:30 बजे तक। तू क्या खा रहे? कुछ नहीं। बड़ा ही थोड़ा लाइट घुमाए हम जब इसमें मुँह की तरफ करें आपका जी बासित भाई। हाँ जी हाँ जी बोले बोले। पान कैसा लगा? ये पान हमने गुजरांवाले से खाया है, गुजरांवाले में ही खोए मिठू पान शॉप से। मिठू पान शॉप से ये हम दवाई भी यहाँ पान खा रहे हैं, और यकीन करें देखें अंदर पान दिखाएं अपना ऐसा पान। देयर इज योर पान, योर मुंह इज लाइक नान जी बासित भाई। पूरे सियालकोट में ऐसा गया पान। हम दवाई लाइट कर दें ऊपर जी, बहुत मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वी आर बैक इन सियालकोट, ऑलमोस्ट कैंट के पास हम पहुंच चुके हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त मेरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो है तो मैं आपसे घर पहुंचने से पहले ही चाहता हूं इजाज़त। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी तरफ से एडवांस के अंदर ईद मुबारक, और जो लोग ओवरसीज़ हैं आउट ऑफ कंट्री हैं उनको एडवांस नहीं बल्कि ईद मुबारक, क्योंकि उनकी आज हो चुकी है। आज की वीडियो यहाँ तक की है, तो हमारी सब की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।